इधर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के मामले में पाकिस्तान की अपने ही मुल्क में फजीहत हो रही है। इस मामले को लेकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने पुलिस को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मंदिर पर हमले और तोड़फोड़ की घटना को लेकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पंजाब के पुलिस प्रमुख को जमकर फटकार लगाई है। भोंग गांव में मंदिर पर हमले के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 8 साल के हिंदू लड़के को गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी को भी हटाने का आदेश दिया है। साथ ही अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा करके उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान की नाक कटवा दी। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि अगर मस्जिद पर हमला हुआ होता तो मुसलमान क्या करते। सुप्रीम कोर्ट में अब केस की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।